हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं छोटी मछली कढ़ी बनाने जा रही हूँ, गरई मछली कढ़ी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मेरी वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो ये मछली 1 kg से ज़्यादा है, इसको पहले छांट लेंगे क्योंकि इसमें टेंगड़ा मछली है, टेंगड़ा जो हाथ में चुभ सकता है। देखिए इसका काटा जा रहा है कांटा इसका, नहीं तो ये हाथ में चुभ जाता है। इसका काटा काट के निकाल दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। अब इस मछली को इसमें रख करके और इसको अच्छा से मला जाएगा ताकि इसका चोइयाँ सब छूट जाए। देखिए कितना सब छटपटा रही है मछली, सब जिंदा है मछली। यदि फर्श नीचे थोड़ा रुखर हो उस पर मलने पे इसका जितना पूरा अथी होता है चोइयाँ सब छूट जाता है जल्दी। तो राख डबल रख करके इसको मला जाता है। ये छोटी गरई मछली है, इसको आप मार्केट से लेंगे तो ऐसे ही मिलेगा, खुद से ही बनाना पड़ता है। देखिए कितना चोइयाँ छूटा है रगड़ने पे। अब इसको कैसे बनाना है, इसे फसूल पे रख करके चोइयाँ छुड़ा लेंगे। ये हमको नहीं बनाने आता है, हम बनवा रहे हैं इसको। इसका ये सब में होता है जो पोछी होता है इसका एक ऊपर का अथी होता है, कन्फर होता है, सब काट करके निकाल दिया जाता है। देखिए जैसे काटा जा रहा है बिल्कुल ऐसा ही काटना है इसको। और एक गलफड़ा है मछली का, इसको भी काट करके निकाल दिया जाएगा। निकालने के बाद अंदर ये रहता है इसका पचौनी रहता है, लाद पचौनी, इसको भी निकाल दिया जाएगा। देखिए कैसे निकाला जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है इसे भी। और उसके बाद दो टुका हो गया, देखिए इसमें भी अंदर से निकाला जाता है, बिल्कुल ऐसे ही निकालना है आपको। सिम जितना बड़ा मछली है इसमें कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, तो बड़ा वाला को ऐसे बना दिया जाएगा। देखिए सारा इसमें का पोछी उछी सब काट करके जैसे दिखाए हम ऐसे ही काटना है इसको। छोटी मछली मेरे मतलब गांव में ही एक नदी है, मतलब छोटा सा नदी है, उसी में से मिला है। बहुत मीठा मछली, छोटा मछली मतलब वह है गरई मछली, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत ही मीठा लगता है। देखिए ये मछली मछली को खा चुकी है, इसमें इसके पेट में से निकाल रहा है मछली। देखिए छोटी मछली को खाइए। छोटी मछली है, सेम तरीके से सभी को बनाना है। बड़े वाले मछली को बनाना है जो एकदम छोटा है, जो थोड़ा सा मतलब कि 2 से 3 इंच का है, तो उसको यहीं रख करके रगड़ करके साफ़ कर देंगे मल करके। देखिए तैयार हो चुका है, अब इसको पानी रख करके साफ़ किया जाएगा। जितना ही अच्छा से फर्स्ट पे मला जाएगा वो इसमें का पूरा जो थोड़ा बहुत बचा होगा इसमें का क्या होता है चोइयाँ, वो सब छूट जाएगा। ये साफ़ हो चुका है मछली, काफ़ी सारा चोइयाँ छूट चुका है, इसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया जाएगा। साफ़ करते समय ध्यान दें कि इसमें का चोइयाँ को थोड़ा सा भी इसमें ना रहे। जितना ही अच्छे से आदमी धोएगा उतना ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनेगा मछली। तो सबसे पहले इसको अच्छा से साफ करें, अभी पानी बहुत गंदा है, इसको अच्छे से धोना है। तब तक धोना है जब तक इसका पानी एकदम फ्रेश ना हो जाए। 5 से 6 पानी इसको अच्छे से साफ करेंगे। देखिए मछली काफ़ी फ्रेश दिख रहा है, अब इसमें पानी रखेंगे तो मछली पानी गंदा नहीं होगा। काफ़ी पानी साफ हो चुका है, धोआ चुका है, काफ़ी फ्रेश पानी दिख रहा है। बहुत ही मछली साफ़ हो चुका है।
कितना फ्रेश दिख रहा है ना। इसमें हल्दी डाला जाएगा, हल्दी डाल के रख देंगे तो कभी भी बनाएंगे इसको दो एक घंटा दो घंटा के अंदर में तो ख़राब नहीं होगा, इसमें ससमाइल नहीं आएगा, इसलिए हल्दी डाला जाता है। तो हल्दी डाल के रख देंगे फिर बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 10 से 15 दाना मेथी डालेंगे, तेल डालेंगे, सरसों का तेल है और रिफाइन है, दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। तेल को चारों तरफ से कढ़ाई में फैला देंगे और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो मछली को डालेंगे, चारों तरफ से फैला करके डालेंगे मछली को घुमा घुमा करके। कढ़ाई में देखिए कैसे फैला करके डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे डालना है। सभी मछली को डाल चुके हैं, इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे, 20 से 25 मिनट पकाएंगे, तब तक मसाला तैयार कर लेंगे। 100 ग्राम सरसों का पेस्ट है, लहसुन का, नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार, 3 से 4 चम्मच मिर्च पाउडर डाले हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार हो चुका है, इसको 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है, अच्छे से चारों तरफ से घुमा करके कढ़ाई जैसे घुमा करके पका रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही पकाना है। चारों तरफ से घुमा कर पकाएंगे अच्छे से, जैसे कि हम बताए 20 से 25 मिनट इसको पकाना है मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से घुमा करके पकाएंगे तो नीचे से मछली बहुत ही अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें से चटचट का जब चटचट का आवाज़ सुनाई देगा तब समझे कि मछली हो चुका है। अब इसमें मसाला डाल देंगे, इसमें पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे, मछली ढक जाए पानी से उतना पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद 25 मिनट इसको पकाएंगे अच्छे से, जब पानी में अच्छे से ग्रेवी में क्या बोले उबाल आ जाए, अभी उबाल आ चुका है तो इसको मछली को अच्छे से नीचे से चला देंगे, हल्का हाथे चलाएंगे, आराम से नीचे से छुड़ा देंगे, थोड़ा थोड़ा लगा है, ज़्यादा नहीं चलाना है, बस एक ही बार से। अब इसको पकने देंगे 25 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से। दोस्तों ये मछली बहुत ही मीठा मछली होता है, खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है, इसका खुशबू इतना अच्छा अभी आ रहा है, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। तो देखिए लगभग अब तैयार हो चुका है, आई होप मेरी मछली आपको बहुत ही पसंद आएगी, आप एक बार ज़रूर अपने किचन में ट्राई करें मेरे तरीके से। आप इसे चावल रोटी आदि से खा सकते हैं, इसका सुगंध इतना अच्छा रहा कि पड़ोस के लोग भी घर पे आ चुका है खाने के लिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।